गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। बाहर जो है ना, जोर जोर से बादल बज रहे हैं। प्रेयर करती हूँ मैं रब जी से कि लाइट ना जाए, ये वीडियो शूट हो जाए। तो हाँ जी, वीडियो का टाइटल आप लोगों ने रीड कर लिया है और मैं सुपर 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 एक्साइटेड हूँ वीडियो देखने के लिए, बिकॉज गुरु गोविंद जी का वीडियो है। और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि यस, मैं एक सिख हूँ, मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो आप लोग सोच सकते हो मुझे कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, ठीक है? तो हाँ जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्या करना है आप लोगों को, आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। करना क्या होता है, छोटू सा काम, चैनल को सब्सक्राइब एंड मुझे कॉमेंट करके बताना होता है कि आप इसके वीडियो पर रिएक्शन चाहिए, जो आप लोग आजकल कम कर रहे हो, ऐसा ना करें, ठीक है? इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों ठीक लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे सुपर वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। स्वागत है आप सबका, मैं विवेक बिंद्रा। आज बड़ा शुभ दिन है, सच्चे बादशाह दसवीं बादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जयंती। उनके विषय में बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारतवर्ष के इतिहास में, जिसके विषय में सारे देशवासियों को आज जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे मिलिट्री लीडर्स, वॉर के लीडर्स, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स, आप सबको पता होना चाहिए, ये गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे लीडर है जो कि अनअंडरस्टैंडेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बैटल ऑफ चमकौर को लड़ा था। थोड़ा अविश्वसनीय सा है, जो खालसा पंथ को सिखों के विषय में नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को पीछे लगा दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे पीछे घूमती रही, दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से कश्मीर तक। इस औरंगजेब ने सब कुछ कब्जा कर लिया था, बस जिंदगी का एक ही सपना था उसका कि गुरुदेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपने चरणों में लिटा दूं, यही सोचता था वो दिन रात। और वजीर खान सोचा, लाखों रुपया खर्च कर दिया उस सेना के साथ, और तभी हुआ बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एक बड़ी मैंशन के अंदर ये 40 सिख और वो नीचे 10 लाख पूरी घेराबंदी कर ली। मानसिंह जी, गिनती जो मुगल फौज कितनी को होगी? आए कोई 10 लाख के करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੌਜ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਓ, ਤਭੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਆਜ ਸੋਚੋ, ਆਪਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸੋਚੋ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ 50 ਲੜਕੇ ਆਪਕੋ ਘੇਰ ਲੇ तो क्या करोगे आप? 100 लोग आपको घेर ले, आप क्या करोगे? 1,000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख लोगों ने 40 सिखों को घेर लिया, अनइमेजिनेबल। ये क्या कह रहे हैं, हम जीत जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं, एक बार और सुनिए, गुरु गोविंद सिंह जी, अनइमेजिनेबल। आज के लोगों को थोड़ी सी टेंशन आकर के गिव अप छोड़ देते हैं। ए कम ऑन, व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। दो बातें बड़ी कमाल की, एक तो खालसा पंथ कहता है मरते दम तक हार नहीं माननी, और दूसरा वो बेचारे मूर्ख मुगल वो सोचे ये 40 की सेना को कमजोर मान बैठे, इनको अंडर एस्टिमेट कर बैठे। और तभी क्या बोला गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु जी 40 सिखों को बोले, आपने सुना है चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, चिड़िया बाज से लड़ती है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नल इक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ये जिसको समझ में आ जाए बुद्धि चकरा जाएगी, इसको बोलते कंसीव बिलीव अचीव। 40 के 40 सिख उनकी बात मांगे। पहले सिख बोले, गुरुजी आप अपनी दोनों संतानों को लेके चले जाओ। गुरुजी बोले, ये दो नहीं, सारी मेरी संतानें अपने बच्चों को सजा के भेजा 10 लाख से लड़ने के लिए। मैं जब से इनके बारे में पढ़ा ना, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचते कैसे थे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है?
ये सोचते कैसे थे, 10 लाख से 40 कैसे लड़ेंगे, 1.25 लाख ना लिख कर लड़ावा। इसको बोलते कंसीव, बिलीव, अचीव। औरंगजेब घुटने टेक दिया गुरुदेव के सामने, औरंगजेब घुटने टेक दिया। 10 लाख की सेना, उसमें से 5-5 करके भेजते थे, 8-8 करके भेजते थे, पहाड़ी से मार 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 तलवारों से 1.25 लाख आर्मी के जनरल सोल्जर वजीर खान के मार डाले, और उसके बावजूद ये गुरुदेव को पकड़ नहीं सके। गुरुदेव अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए, भात नहीं आ पाए। वो उनके मुंह पे तमाचा था, लाखों की सेना मार डाली, वहीं गिरा दी 40 सिखों। ऐसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। यार एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, आप ये समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने सोचा कंसीव कैसे कर लिया कि भाई हम 40 लोग जीत जाएंगे, ये सोचा कैसे? ये नहीं सोचा कि भाग जाए, 40 लोग जीत जाएंगे ये विश्वास रख लिया। ये होता है कंसीव, बिलीव, अचीव। सर्वंश दानी जिन्होंने अपना सब कुछ अपना हर एक अंश दान कर दिया, साहिब कमाल, आज ऐसे गुरुदेव को आज पूरे देश को खड़े होकर इनको नमन करना चाहिए। प्रॉब्लम आज आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ये है कि आपने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। 40 लोग 10 लाख को मार देंगे, ये पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह जी, आज उनके बारे में उनके जन्म दिवस पे पूरे देश को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर करूं। और आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के इतिहास के बारे में एक एक आदमी को देश में बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने आसपास सबसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि ऐसे शक्तिशाली वीडियो मैं पूरे देश तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सबका प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया था मेरा, ठीक है। एंड जिस मूवी का बीच में शॉट डाला है, वो मूवी अगर आप लोग देखेंगे, मेरा ना ये थ्रोट पेन करने लग गया था जब वो मैंने देखा था, ठीक है। और वो मूवी बनने के लिए पूरे 5 साल लगे थे एनिमेशन मूवी बनने के लिए, ठीक है। क्या बोलूं मैं, जिस तरीके से सर बताते हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत उनके अंदर एनर्जी है, ठीक है। सामने वाला सुनते ही ना एकदम पूरा चार्ज हो जाता है, ये वाली चीज है। और क्या बोलूं मैं, मतलब कि सारा कुछ ही सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, बस मुझे लगा कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था, 5 मिनट्स का था, कम से कम 10 मिनट्स का होता तो शायद से और ज्यादा मुझे मजा आता। और रियलिटी तो ऑलरेडी मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी मुझे सर के मुंह से सुनना था कि किस तरीके से बोलते हैं वो, ठीक है। एंड यस गाइस, होपफुली आप लोगों को पसंद आया है। एंड वीडियो पसंद आया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स जो है विवेक सर के फैंस के साथ में भी। एंड गाइज, यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू गाइज, टाटा, बाय बाय।